हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं भी आपका कौशिकी किचन में स्वागत करती हूँ। चलिए, आज क्या बनाए हम। आज बनाते हैं लौकी के कोफ्ते की सब्जी। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, लौकी के कोफ्ते की सब्जी। बहुत लेंथी प्रोसेस है, आपको लग रहा होगा। नहीं जी, बहुत जल्दी बन जाएगा, आप भी बना के देखिए। मैं उसके लिए कुछ अलग से नहीं बेसन का घोल बनाऊंगी उसके कोफ्ते बनाने के लिए, ना ही मैं कुछ तामझाम फैलाऊंगी। जल्दी से बनाऊंगी और आपको जल्दी जल्दी रेसिपी सिखाऊंगी। चलिए बनाएं कोफ्ते की सब्जी। इसके लिए हमें चाहिए एक लौकी, एक छोटा सा प्याज और मसाले। चलिए बनाएं कोफ्ते की सब्जी। लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कोफ्ते। तो कोफ्ते के लिए हम तैयारी करेंगे। सबसे पहले हम घिसेंगे लौकी को। हमने उसको फाइनली ग्रेट कर लिया है। इस तरह से पूरी लौकी को हमने कस के उसको बारीक कर लिया है। ये देखिए, ये लौकी कस के तैयार है। अब हम इसमें एक प्याज काटेंगे। प्याज को बारीक काट लीजिए। अब हम इसमें एक चम्मच जीरा मिलाएंगे, एक चम्मच नमक मिलाएंगे और आधी चम्मच हल्दी मिलाएंगे और एक चम्मच मिर्च, एक चम्मच धनिया पाउडर और एक कप बेसन। बेसन से क्या होगा कि ये जो हमारी लौकी है कसी हुई, वो अच्छे से बाइंड हो जाएगी कोफ्तों के शेप में। हम जब इसको तलेंगे तो वो कोफ्ते अच्छे से एक साथ चिपक जाएंगे और अच्छे से पकौड़ी के शेप में बन जाएंगे। ये देखिए, हमने पूरा मसाला अच्छे से मिला लिया है। इसमें आप थोड़ा मिर्ची ज़्यादा कर सकते हैं, चाहे तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। उससे क्या होता है कि जो ये मीठापन है लौकी का और प्याज का, वो थोड़ा कम हो जाएगा और हमारे कोफ्ते चटपटे बनेंगे। देखिए, इस तरह से पूरा मसाला तैयार हो गया हमारा। हमने इसके लिए कोई अलग से बेसन का घोल नहीं किया, बेसन इसी में मिला है। अब हम कोफ्ते तलेंगे। छोटे छोटे कोफ्ते आप तेल में डालें इस तरह से, जिससे कि कोफ्ते की शेप अच्छी आए। ये देखिए, इसे छोटे छोटे डालिए तेल में। तेल गरम हो जाए तब, कच्चे तेल में मत डालिएगा, नहीं तो हमारे कोफ्तों में स्मेल आ जाएगी कच्चे तेल की। तो आप अच्छे से तेल को गरम होने दें, उसके बाद ही उसमें कोफ्ते तले। देखिए, अब हमारे कोफ्ते तैयार हो रहे हैं। जितनी देर हमारे कोफ्ते तैयार होते हैं, इतनी देर हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए ग्राइंड करे हुए प्याज, टमाटर। तो हमने यहाँ पे लिया है एक प्याज और दो टमाटर, इन्हें हमें ग्राइंड करने के लिए जार में डाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच जीरा, और 7-8 काली मिर्च। ये देखिए, हमने काली मिर्च डाल दी। अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, स्मूथ पेस्ट बना लेंगे इसका। ये देखिए, पेस्ट बन गया है हमारा और हमारे कोफ्ते भी ऑलमोस्ट सारे तैयार हो गए हैं। ये देखिए, अब हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। ग्रेवी के लिए हमने डाला है कढ़ाई में 1 स्पून ऑयल। ऑयल थोड़ा कम ही लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि कोफ्तों में भी ऑयल होता है, तो वो जब आप बनाते हैं ग्रेवी, तो वो ग्रेवी में ऑयल ऑयल हो जाता है। तो अब हमने एक कढ़ाई में ऑयल लिया है और उसके बाद उसमें आधा चम्मच जीरा डाला है, आधी चम्मच हल्दी डाली है और 1 चम्मच मिर्च डाली है। अब हम हमारी ग्रेवी डाल देंगे इसमें।
इस तरह से जो पेस्ट बनाया था हमने वो ग्रेवी का वो इसमें डाल देंगे, और इसे इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे और 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच गार्लिक पेस्ट। आपको अगर गरम मसाला और ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए लौकी के कोफ्ते तो आप गरम मसाला अवॉइड कर सकते हैं। इस तरह से जब तक कि तेल ऊपर नहीं आ जाए आप इसे इसी तरह से हिलाते रहें जिससे कि हमारी मसाला बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे हम क्योंकि हमें ग्रेवी चाहिए थोड़ी सी जिसमें कोफ्तों उसमें अच्छे लगे कोफ्ते। ये देखिए तेल ऊपर आने लग गया है। आपको अगर ये थोड़ी पतला चाहिए घोल तो आप पानी और मिला लीजिए, बट मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट होता है। ये देखिए हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। अब हम इसमें चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स डालेंगे और एक उबाल ले लेंगे। ये देखिए बिल्कुल तैयार है हमारी कोफ्तों की ग्रेवी। अब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। कोफ्ते डालने के बाद आप ज़्यादा देर उसे नहीं उबालें क्योंकि क्या होता है कि कोफ्ते पूरा पानी सूख जाते हैं और हमारी ग्रेवी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, तो इसके लिए बस एक उबाल लेके आप बंद कर दीजिए गैस को और इसे गरम गरम सर्व कीजिए। और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे कोफ्ते तो फिर उनमें वो सॉफ्ट सॉफ्ट ज़्यादा हो जाएंगे और टेस्ट इतना अच्छा नहीं, तो आप बस इसे ऐसे ही परोसिए। ये देखिए अच्छे लग रहे हैं ना हमारे कोफ्ते, कितनी सुंदर लग रही है ये सब्जी। आप भी बनाइए और मेरे साथ अपने व्यू शेयर कीजिए। आप इसे पूड़ी के साथ, पराठों के साथ और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। अब हम इसे धनिया के साथ गार्निश करेंगे और परोसेंगे। ये देखिए बहुत जल्दी बन गए हैं हमारे कोफ्ते, 10 मिनट के अंदर अंदर पूरी सब्जी तैयार है। आप भी इसे बनाइए और इस डिश का लुत्फ उठाइए। थैंक यू। देखिए हमारे कोफ्ते की सब्जी बिल्कुल तैयार है लौकी के कोफ्ते की। आप भी इसे बनाइए और ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे साथ इसकी व्यूज शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, और मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। और कल जैसे कि तीज है तो कल हम बनाएंगे दाल बाटी। दाल बाटी सबको पसंद आती है ना, राजस्थानी डिश जो है, मुझे भी बहुत पसंद है, मेरी फैमिली में सबको पसंद है, तो मैं आपको दाल बाटी बनाना सिखाऊंगी। कुछ हम बनाएंगे दाल बाटी गैस पे, कुछ बनाएंगे माइक्रोवेव में, ठीक है? और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, थैंक यू।